अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन रोल। जैसे हमने प्रोडक्ट रोल पढ़ा, वैसे ही क्वेश्चन रोल होता है डिफरेंशिएशन में। अगर आपके पास कोई दो फंक्शंस है और उन दो फंक्शंस का डिवीजन अगर हो रहा है, ठीक है, अगर आपके पास दो फंक्शंस है बेटा और उन दो फंक्शंस का डिवीजन हो रहा है, जैसे y इक्वल्स टू अगर है f1 ऑफ x डिवाइड बाय f2 ऑफ x, डिवीजन है। अब तक हमने मल्टीप्लिकेशन देखा, अब डिवीजन की बारी। हाँ तो अब ये देखा गया, डबल ठीक है डबल आस मैं कुन तो कुन के जाला से तो ये देखा गया बेटे कि ये फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन अगर है, तो इसका फॉर्मूला, ये रूल कहता है कि dy बाय dx इज इक्वल्स टू डिविजन में, डिनोमिनेटर में आपको लेना है जो भी नीचे है, एफ टू ऑफ एक्स जो है, इस एफ टू ऑफ एक्स का स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा। और अब न्यूमरेटर में आपको शुरुआत करनी है सेकेंड फंक्शन से। शुरुआत कहां से करनी है? सेकेंड फंक्शन से। तो आप लिखिए एफ टू ऑफ एक्स एज इट इज इंटू एफ वन ऑफ एक्स का डिफरेंसिएशन, पहले का डिफरेंसिएशन एफ डैश, एफ वन डैश ऑफ एक्स, बीच में आएगा माइनस। अब पहले को एज इट इज लिखिए एफ वन ऑफ एक्स इंटू दूसरे का डिफरेंसिएशन एफ टू डैश ऑफ एक्स। तो ये जो रूल है, इस रूल को हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं। तो ये प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल कहता है कि अगर आपके पास दो फंक्शंस है, एक फंक्शन है एफ वन एक्स, दूसरा फंक्शन है एफ टू एक्स, तो आपको क्या करना है, डीवाई बाय डी एक्स करते समय, डीवाई बाय डी एक्स करते समय जो भी डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर करके इधर लिख दो, एफ टू ऑफ एक्स का एज इट इज स्क्वायर करा दो, और ऊपर शुरुआत करिए सेकेंड से, शुरुआत करिए सेकेंड से। तो एफ टू एक्स सेकेंड इंटू डिफरेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, माइनस, प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा, माइनस पहला एज इट इज इंटू दूसरे का डिफरेंसिएशन। कुछ बात समझ में आई? इस रूल को क्वेश्चन रूल कहा जाता है डिफरेंसिएशन का। आसान है? ओके, तो आइए देखते हैं इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स को। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं y इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स, देखिए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय साइन एक्स अगर है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट फंक्शन डिवाइड बाय सेकेंड फंक्शन, यस और नो? तो ऊपर वाला फर्स्ट फंक्शन होता है हमेशा, नीचे वाला सेकेंड फंक्शन होता है हमेशा। तो क्या करना है आपको, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू जो भी डिनोमिनेटर में है उसका एज इट इज स्क्वायर बना दो। तो साइन एक्स का स्क्वायर, और ऊपर शुरुआत कहां से करनी है, सेकेंड से, सो सेकेंड एज इट इज लिख दो साइन एक्स इंटू डिफरेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, पहले का डिफरेंसिएशन देखो ना, एफ डैश ऑफ एक्स बोला है ना, तो
तो पहले का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा, बीच में लिखना है आपको माइनस, लिख दिया माइनस। अब लिखो फर्स्ट को एज इट इज, एक्स स्क्वायर को एज इट इज इनटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, हो गया सेकंड का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। एंड दिस इज, इसको अभी आगे आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, कॉमन ले लो, जो भी है, लेकिन ये इसका मेथड है करने का। क्या ये समझ में आया? अरे ये रूल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोलो। यस सर, समझा। राइट, समझा, वेरी गुड। तो जो लोग पूरा पूरा रिवाइज कर रहे हैं अच्छे से, उन लोग को ये पूरा समझेगा। हर रोज रिवीजन करना जरूरी है, अब तक जो कुछ भी पढ़ा उसका रिवीजन करना जरूरी है। तो हमने ये डिफरेंशिएशन शुरू किया था, तो हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था, फंक्शन क्या होता है इस तरह, है ना। तो ये सारे चीजें अगर आप रिवाइज करते हो डेली, उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो बड़े आराम से आप इसको कर सकते हो। सर, हाँ बोलो। इसे क्वेश्चन रूल क्यों कहते हैं? क्वेश्चन रूल क्यों कहते हैं? ये क्वेश्चेंट रूल है, क्वेश्चेंट। क्वेश्चेंट का मतलब डिवीजन में क्वेश्चेंट आता है ना, डिवीजन का प्रोसेस पता है आपको? अलग है सर। आ? उसकी स्पेलिंग अलग है। किसकी? वो डिवीजन में जो क्वेश्चेंट आता है उसकी। अच्छा, उसकी क्या स्पेलिंग होती है? QUOTIENT। अच्छा ऐसी होती है क्या? ओके, मेरा स्पेलिंग उतना सही नहीं है। क्यू यू, बोलो, क्यू यू ओ, क्यू यू ओ टी आई ई एन टी आई ई एन टी, हाँ चलो तो वही है वो। ठीक है जी, मेरा स्पेलिंग थोड़ा उतना अच्छा नहीं है यार, है ना, तो वही है वो क्वेश्चन रूल। तो इसका कनेक्शन उसी से है। ये पूछ रहे हैं पाटिल की, सर आज के रिकॉर्डिंग ग्रुप पे भेजो। हाँ बिल्कुल, आज का रिकॉर्डिंग ग्रुप पे भेज देंगे, बिल्कुल आ जाएगा ग्रुप पे। ठीक है, आज रात को आ जाएगा, मतलब थोड़ा लेट हो जाएगा, 10-11 बज जाएंगे। ठीक है, प्रोसेस होने में इसको टाइम लगता है, अरे बहुत झंझट होता है इसको अपलोड करने में, क्या बताऊं आपको। चलिए, तो और एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। क्या आप करेंगे अभी? दू मैं, क्या आप तैयार हैं? जी सर। देखते हैं कौन इसको कर पाता है यार। चलो एक काम करो, ये जो tan x होता है, ये tan x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। तो आप sin x अपॉन cos x को, इसको मानो फर्स्ट फंक्शन, इसको मानो सेकंड फंक्शन, और करो देखो आपको फाइनली सेकंड स्क्वायर एक्स मिलना चाहिए आंसर फास्ट।
एवरीवन करके दिखाओ। हो गया सर। सो क्या का आंसर बोलो? y equals to x cube upon tan x। सर बोलो। तो पहले तो dy by हाँ बोलो सर आंसर सेक्स स्क्वायर एक्स इन ब्रैकेट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाय सेक रेस्ट टू फोर एक्स। अच्छा ठीक है देखते हैं। मेरा सही है कि नहीं वो नहीं मालूम। सबसे पहले ये है आपका पहला फंक्शन, ये है आपका दूसरा फंक्शन। आपको क्या करना है, पहले डिनोमिनेटर में जो भी इसका डिनोमिनेटर है उसका एज इट इज स्क्वायर करना है। tan x का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, जो भी डिनोमिनेटर में है उसका एज इट इज स्क्वायर। शुरुआत कहां से करेंगे, सेकेंड से, तो सेकेंड एज इट इज लिख दो tan x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, ये होता है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस, अब फर्स्ट को एज इट इज लिख दो एक्स क्यूब, और अब सेकेंड का डिफरेंशिएशन होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स। नहीं समझे? क्लियर? तो हमने पहले सेकेंड को ले लिया, सेकेंड एज इट इज लिखा और उसका स्क्वायर किया, फिर सेकेंड tan x into डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, पहले का डिफरेंशिएशन क्या होगा x क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस माइनस फर्स्ट एज इट इज into डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर x, अभी तो हमने प्रूव किया। यस, सो 3x स्क्वायर tan x माइनस x क्यूब सेकेंड स्क्वायर x अपॉन tan स्क्वायर x, दैट इज करेक्ट गार्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए। Thank you.
थोड़ा सा टफ दे दिया मैंने, टफ मतलब कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बस इसमें एक ही चीज है कि आपको एकदम ध्यान से इसको करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले को फर्स्ट मानो, नीचे वाले को दूसरा मानो, तो आइए मैं करके दिखाता हूं इसको। इसमें बेटे सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखिए कि ये है आपका फर्स्ट फंक्शन, ये है आपका सेकंड फंक्शन, लेकिन इस सेकंड फंक्शन में दो चीजें हैं, एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन करते समय हमें हम कर... हाँ करो ना, करो करो, मैं थोड़ी ना रोक रहा हूं। सेकेंड का डिफरेंशिएशन करते समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे हम, तो क्वेश्चन रूल के अंदर प्रोडक्ट रूल है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन रूल के अंदर प्रोडक्ट रूल होता है यार, ठीक है। Everyone, are you doing? इसमें बेटे क्या करना है हमें, सबसे पहले वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे हम, dy by dx equals to सबसे पहले डिनोमिनेटर में जो कुछ भी है सीधा सीधा ब्लाइंडली उसका स्क्वायर बना दो, सीधा ब्लाइंडली उसका स्क्वायर करना है, दैट्स ऑल। और ऊपर शुरुआत कहां से करनी है, सेकंड से, सेकंड एज इट इज लिख दो, एक्स स्क्वायर साइन एक्स एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, पहले का डिफरेंशिएशन होगा 5 ई रेस टू एक्स ही रहेगा, बदलता है तो है ही नहीं, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स ही रहता है और 5 तो कॉन्स्टेंट है, बीच में आएगा माइनस, और पहला एज इट इज 5 ई रेस टू एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, ये सेकेंड का डिफरेंशिएशन। तो सेकेंड का डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करना होता है, प्रोडक्ट रूल लगाना होता है, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो एक्स ये इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, किसका, ये ब्रैकेट का, ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन होगा फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, प्लस आता है बीच में साइन एक्स एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x, तो ये 2x बात बन गई, क्यों भाई हो गया काम अपना, नहीं समझे तो अब इसको सॉल्व करो चाहे, नहीं तो इसको एज इट इज ऐसे ही रहने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स ऊपर से कॉमन निकल सकता है क्या, नहीं कॉमन नहीं निकलेगा, तो ऐसे ही रखो तो भी चलता है, ठीक है, कुछ समझा। सेकंड का स्क्वायर कर दिया हमने, एक्स स्क्वायर साइन एक्स का स्क्वायर ऊपर एक्स स्क्वायर साइन एक्स एज इट इज इंटू पहले का डिफरेंशिएशन, पहले का डिफरेंशिएशन माइनस पहला एज इट इज इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन, और ये जो दूसरा है तो दूसरे का डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ता है, दूसरे का डिफरेंशिएशन करने के लिए प्रोडक्ट रूल की जरूरत होती है, क्लियर। सो हैव यू अंडरस्टूड दिस, चलिए तो इस तरह से आपने इसको किया,
तो आज यही रुक जाते हैं, लेकिन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। करेंगे आप होमवर्क? चलिए, तो ये आज का आपका होमवर्क है, इसको मुझे करके बताइए आप लोग। फाइंड dy बाय dx, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है आज का, ठीक है।